नमस्कार, बाप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। चौथे चरण में 10 राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों के 94 सीटों पर मतदान जारी कर दिग्गजों ने डाला वोट। अखिलेश, ओवैसी, माधवीलता और महुआ मोइत्रा समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर। एमपी की 8 सीटों पर वोटिंग। चुनाव के चौथे चरण के बीच पीएम मोदी ने पंगत में बैठे लोगों के लिए की लंगर सेवा। सोमवार को मोदी पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। यहां उन्होंने अपना माथा टेका, अरदास की और लंगर भी खाया। इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, महिलाओं को शक्ति देना मेरा संकल्प, महिला नेतृत्व में तरक्की करना मेरा मकसद। महिलाओं के लिए हमने आर्मी के दरवाजे खोल दिए, बॉर्डर पर भी हमने बेटियों को भेजा, सियाचिन में भी हमारी बेटी देश की रक्षा कर रही है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा, क्या हम एटम बम के डर से पीओके को जाने दें? मणिशंकर अय्यर ने कहा था, पाकिस्तान की इज्जत करना चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम। महिला ने लगाया आरोप, कहा मेरी माँ से क्या रे, वीडियो कॉल पर मेरे कपड़े उतरवाए, बात नहीं मानने पर पिता की नौकरी खा जाने और परेशान करने की धमकी दी। प्रज्वल रैना सेक्स स्कैंडल से सियासत में भूचाल मचा हुआ है। यमुनोत्री यात्रा में अचानक 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे। बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने से मचा हड़कंप, 24 घंटे के लिए लगा जाम, हालात बिगड़े। प्रशासन ने किए श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने की अपील। दिल्ली गुजरात के बाद अब जयपुर में 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस के दस्ते इन स्कूलों में पहुंचकर जांच कर रहे हैं। बता दें कि लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। वोटिंग से पहले आंध्र प्रदेश के सीएम जगन की बहू आईएएस शर्मिला का छलका दर्द। चुनाव के पहले शर्मिला ने अपने भाई जगन मोहन रेड्डी पर चाचा के मर्डर में भूमिका निभाने वालों को बचाने का आरोप लगाया है। देश में मौसम का मिजाज बदल गया है। आईएमडी ने जारी की भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी। दक्षिण भारत में भी मौसम अपना नया मिजाज दिखा रहा है। विभाग ने कई राज्यों में 16 मई तक ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में एक बार फिर लिफ्ट से जुड़ी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर चली गई, 25वीं मंजिल पर पहुंचकर छत को तोड़कर बाहर निकल गई। लिफ्ट में मौजूद 3 लोग हुए घायल। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।